कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर एक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ये जानने की इच्छा होती है कि भाई इनका नाम क्या है। फिल्मी दुनिया में अक्सर ऐसे चेहरों को उनके नाम से नहीं बल्कि उनके कुछ ऐसे किरदारों से पहचाना जाता है जिन्हें उन्होंने अपने अभिनय से जीवंत किया होता है। वो चेहरा, उनके किरदार दर्शकों के दिलों में कुछ ऐसे घर कर जाते हैं कि उन्हें भूलना मुश्किल होता है, और असल मायने में वो उनके अभिनय कला की जीत होती है। सिनेमा जगत का एक ऐसा ही चेहरा था मिथिलेश चतुर्वेदी, जिन्हें आपने कभी एक खड़ूस कंप्यूटर टीचर के रूप में देखा। तो फिर जाओ और अपने बाप से आकर सीखो, तो जिस दुनिया में है उस दुनिया में जाकर सीखो, पर मेरा दिमाग मत खाओ। कभी एक धूर्त पंडित के रूप में, वो तो सरकार गांव से गायब है, अब हम खुद उसके घर पता करके आए थे, वो देखिए कहां खड़ी है उसकी जोरू। तो कभी एक कट्टर मौलवी के रूप में, अखरोट नहीं बेवकूफ आक्रोश। अभी पिछले दो दिन पहले मिथिलेश जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, पीछे छोड़ गए अपने कभी न भूलने वाले किरदार और दर्शकों के जहन में अपना कभी न भूलने वाला चेहरा। संयोग देखिए, हम अपने कुछ दर्शकों के डिमांड पर मिथिलेश जी पर पहले से ही वीडियो लाने की तैयारी कर रहे थे और ये काम पूरा होने से पहले उनके निधन का समाचार मिल गया। ये वीडियो एक श्रद्धांजलि है मिथिलेश जी को उनके चाहने वालों की तरफ से। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम को, इस पंक्ति को गुरु मंत्र की तरह मानकर ईश्वर व भाग्य पर अटूट विश्वास रखने वाले मिथिलेश चतुर्वेदी जी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत काफी देर से की थी, लेकिन बहुत कम समय में ही उन्होंने सफलता व पहचान हासिल कर ली थी। छोटी छोटी भूमिकाओं को भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग से खास बना देने वाले थिएटर, टीवी और फिल्मों के मशहूर एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का जन्म 15 अक्टूबर 1954 में हुआ। लखनऊ में पले बढ़े और वहीं से पढ़ाई पूरी करने के बाद मिथिलेश जी को वहीं सरकारी नौकरी भी मिल गई। हालांकि उन्हें बचपन से ही नाटकों में रुचि थी, इसलिए वे साथ साथ थिएटर भी किया करते थे। दरअसल मिथिलेश जी में यह शौक अपने बड़े भाई प्रेमचंद्र चतुर्वेदी जी को थिएटर में एक्टिंग करते हुए देखकर जगा था और उन्होंने 8 साल की उम्र से ही थिएटर में एक्टिंग करना शुरू भी कर दिया। जब मिथिलेश बड़े हुए और एक्टिंग के लिए तारीफें मिलने लगी तो उन्होंने टीवी और फिल्मों में काम करने का मन बनाया और फैसला कर लिया कि अब वे मुंबई जाएंगे, बहुत हो गई नौकरी। साल 1980 में मिथिलेश पहली बार मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने NSD के डायरेक्टर बंशी कौल के नाटक आला अफसर और अनुपम खेर के डायरेक्शन में मदर जैसे नाटकों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने प्रेम तिवारी, कुंवर कल्याण सिंह, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, दीनानाथ और उर्मिल थपलियाल सहित ढेरों दिग्गज थिएटर डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया। हालांकि मिथिलेश जी ने शुरुआत में थिएटर और नौकरी दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि दोनों को साथ लेकर चलना आसान नहीं है क्योंकि नौकरी लखनऊ में थी और थिएटर मुंबई में करना था। बस फिर क्या था, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और फाइनली मुंबई आ गए। या पूछे जाने पर कि क्या आपको अपने इस फैसले से डर नहीं लगा, इस पर मिथिलेश जी का यह जवाब होता था कि उन्हें डर तो था लेकिन ऊपर वाले पर विश्वास भी था। तकरीबन 24 वर्षों तक सरकारी नौकरी करने के बाद मिथिलेश जी 45 साल की उम्र में मुंबई पहुंचे थे। मिथिलेश कहते थे कि मैं नाटक करता था और नाटक करते करते पूरा भारत घूम चुका था, फिर सोचा नदी तो घूम ली है, अब समंदर में छलांग लगा लेनी चाहिए और मैं मुंबई आ गया। हालांकि यहाँ कर काम मिलना थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन मैं ऊपर वाले का नाम लेकर कोशिश करता रहा और उसने मेरी सुन ली। टेलीविजन पर मिथिलेश जी की शुरुआत सीरियल उसूल से हुई थी, जिसमें मशहूर एक्टर डैनी ने भी काम किया था। मजे की बात की यह रोल मिथिलेश जी को अपने एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि उनके चेहरे की वजह से मिला था। दरअसल मिथिलेश को उनके लखनऊ के दोस्त सलीम आरिफ ने डायरेक्टर रोमेश शर्मा से मिलाया था, जो उस वक्त अपने सीरियल उसूल पर काम कर रहे थे और उन्हें अपने सीरियल के लिए टीनू आनंद के पिता के कैरेक्टर के रूप में एक एक्टर की तलाश थी। जब उन्होंने मिथिलेश के चेहरे को देखा तो देखते ही समझ गए इस कैरेक्टर के लिए उन्हें दूसरा ऐसा चेहरा नहीं मिलेगा और मिथिलेश को साइन कर लिया। दोस्तों मिथिलेश थिएटर से आए थे और जब अचानक कैमरे के आगे उन्हें काम करने का मौका मिला तो वहाँ भी वे थिएटर के अंदाज में ही काम करने लगे। दरअसल थिएटर में एक एक्टर को आखिर में बैठे दर्शकों को अपनी आवाज और अपने हाव भाव को दिखाने के लिए थोड़ी लाउड एक्टिंग करनी होती है, जबकि कैमरे के सामने सब कुछ नॉर्मल ही करना होता है। मिथिलेश को एक बार डायरेक्टर विनोद पांडे ने इसके लिए टोका और सिखाया कि कैमरे और थिएटर की एक्टिंग में क्या फर्क है, जिसे उन्होंने ताउम्र गांठ बांध कर रख लिया था। दोस्तों वैसे तो मिथिलेश जी ने ढेरों टीवी सीरियल्स में काम किया था, लेकिन उन्हें असल पहचान मिली डीडी मेट्रो पर प्रसारित सीरियल न्याय से। इस सीरियल में उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया था जो एक नॉर्मल इंसान से अचानक साइको जैसा व्यवहार करने लगता था। मिथिलेश कहा करते थे कि उन्हें दोबारा फिर कभी ऐसी दमदार भूमिका नहीं मिली। हालांकि बाद में सीरियल नीली छतरी वाले में मिथिलेश कॉमेडी करते हुए भी नजर आए। बात तो एक ही है बेटा, गोबर बेटा
इस मशहूर सीरियल में उन्होंने आत्माराम चौबे का किरदार निभाया। इस कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स थे जिसे उन्होंने हर बार बखूबी निभाया और दर्शकों को हंसाने में भी कामयाब रहे। टेलीविजन की बात करें तो मिथिलेश ने 50 से भी अधिक सीरियल्स में काम किया है, जिनमें नीली छतरी वाले, सिंदूर, तेरे नाम का, हर युग में अर्जुन, कयामत और भाभी जी घर पर रहे आदि फिल्मों में मिथिलेश जी की शुरुआत हुई थी फिल्म सत्या से। इसमें उन्होंने छोटा मगर बहुत ही जबरदस्त रोल निभाया था। इस फिल्म में वे बिल्डर मल्होत्रा बने थे जिससे कल्लू मामा जबरन वसूली करता है और जब वो पैसे के लिए उनसे मिलने के लिए कहता है तो मल्होत्रा सत्या के गिरोह पर घात लगाकर हमला करवा देता है। हालांकि मिथिलेश के द्वारा साइन की हुई पहली फिल्म थी भाई भाई, लेकिन सत्या फिल्म पहले रिलीज हो गई थी इसलिए सत्या को ही उनकी पहली फिल्म के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, जब मिथिलेश निर्माता प्रहलाद नीलानी की फिल्म भाई भाई की शूटिंग करने सेट पर पहली बार पहुंचे थे तो फिल्म के डायरेक्टर सिकंदर भारती और सिनेमेटोग्राफर सबा मिश्रा ने उन्हें देखकर आपस में कानाफूसी की कि ये प्रहलाद नीलानी जी भी न जाने कहां कहां से एक्टर उठा कर लाते हैं। हालांकि जैसे ही उनका सीन कम्प्लीट हुआ तो हम मौजूद सबकी बोलती बंद हो गई। दरअसल वह सीन थोड़ा लंबा था जिसमें मिथिलेश जी के काफी लंबे चौड़े डायलॉग थे जिसे देखकर डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर को यही लगा था ये सीन तो एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है और उस पर से मिथिलेश जी जैसा एक नया एक्टर। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि लगभग 10:30 बजे शुरू हुआ यह सीन 11:15 बजे ही कम्प्लीट भी हो गया और मिथिलेश जी ने अपने लंबे चौड़े डायलॉग को महज 15 मिनट में ही बोलकर सबको चौंका दिया, जिसके बाद वहां मौजूद सभी ने जमकर तालियां बजाई और उन्हें शाबाशी भी दी। फिल्मों की बात करें तो मिथिलेश ने बड़े पर्दे पर भी तरह तरह के रोल निभाए हैं और हर तरह की भूमिका में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब भी रहे। अशोका, बंटी और बबली, कोई मिल गया, ताल, गदर एक प्रेम कथा, अजब प्रेम की गजब कहानी, फिजा, रेड्डी और मोहल्ला 80 जैसी दर्जनों ऐसी फिल्में हैं जिनमें मिथिलेश जी ने अपनी छाप छोड़ी है। मिथिलेश अक्सर कहते थे कि उनकी फिल्मों का सिलसिला ज्यादा नहीं चला क्योंकि ये बहुत आलसी आदमी है और उनकी पीआरशिप काफी खराब है। वो कहते थे उनको हमेशा ईश्वर ही काम दिलाया करते हैं। दोस्तों, मिथिलेश जी को फिल्म कोई मिल गया में अपनी भूमिका के लिए लड़कियों की नफरत का भी सामना करना पड़ा था। दरअसल इस फिल्म में उन्होंने ऋतिक रोशन के किरदार रोहित के कंप्यूटर टीचर की भूमिका निभाई थी। फिल्म में मिथिलेश द्वारा ऋतिक रोशन को बात बात पर जलील करते हुए अपनी क्लास से भी बाहर निकालते हुए दिखाया गया है। मिथिलेश ने बताया था कि इस दौर में ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग लड़कियों के बीच बहुत ही जबरदस्त थी और मिथिलेश जी को अपने इस नेगेटिव रोल के लिए उनके फैंस से काफी गालियां सुननी पड़ी थी। हालांकि लोगों की उस नफरत को मिथिलेश अपने एक्टिंग की कामयाबी से जोड़कर ही देखा करते थे। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ने का बहुत ही मजेदार किस्सा भी है जो अपने इंटरव्यू में मिथिलेश अक्सर बताया करते थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने फिजा नामक फिल्म में काम किया था जिसमें उनका काम देखकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राकेश रोशन उनसे काफी प्रभावित हुए, लेकिन उनके पास मिथिलेश जी का कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था तो इन्हें खोज खोज कर परेशान हो गए थे। बाद में जब उनकी मुलाकात हुई तो राकेश रोशन ने उनसे कहा कि आपको खोजने के चक्कर में मैंने तो कुएं में बांस डलवा दिया था। दरअसल राकेश रोशन जी का मतलब यह था कि उन्होंने मिथिलेश जी को खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया। मिथिलेश कहते थे कि उनके जैसे एक्टर के लिए इतनी बड़ी हस्ती के मुंह से अपने लिए बात सुनना किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं था। कोई मिल गया के बाद इस सीरीज की फिल्म कृष में भी मिथिलेश एक कैमियो रोल में नजर आए थे। इस पार्ट में मिथिलेश मिस्टर माथुर बने थे। रणबीर कपूर और कैटरीना की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में भी मिथिलेश बहुत खास भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में वे कैटरीना के पिता मिस्टर पिंटो बने थे। इस फिल्म में उनका कॉमेडी रोल काफी पसंद किया गया था। अरे कोई बेवकूफ गधा, उल्लू का पट्टा होगा जिसे कि ये फ्लैट पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा सलमान खान की फिल्म रेडी में भी उनकी भूमिका को काफी सराहा गया। इस फिल्म में वे जरीन खान के पिता पाठक की भूमिका में थे। सनी देओल अभिनीत फिल्म मोहल्ला 80 में भी मिथिलेश जी ने डॉक्टर गया सिंह की एक यादगार भूमिका निभाई थी। मगर के शर्मा, तुम काशी की परंपरा और संस्कृति को बदलना चाहते हो। मिथिलेश थिएटर फिल्मों और टीवी शोज के अलावा फक्र और जिहाद जैसी कई शॉर्ट फिल्मों में भी नजर आए थे जो काफी मशहूर भी हुई थी। डिजिटल डेब्यू की बात करें तो मिथिलेश ने 2020 में वेब सीरीज स्कैम 1992 से OTT की दुनिया में कदम रखा था। मिथिलेश इस शो में छोटे लेकिन जबरदस्त रोल में नजर आए थे। इस वेब सीरीज में उन्होंने राम जेठमलानी की भूमिका निभाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथिलेश अपकमिंग वेब शो टल्ली जोड़ी में भी नजर आने वाले हैं। हाल ही में उन्हें टीवी शो पटियाला बेब्स में आम भूमिका निभाते हुए देखा गया था और उनकी आखिरी फिल्म अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के साथ गुलाबो सिताबो थी। खुद को डायरेक्टर के हाथ की कठपुतली समझने वाले चतुर्वेदी ने अपने अच्छे काम का क्रेडिट खुद को कभी नहीं दिया। वे हमेशा यही कहा करते थे कि सब कुछ करवाने वाला ईश्वर है और उनसे जो भी अच्छी एक्टिंग होती है
वो सब उनके डायरेक्टर का कमाल है। दोस्तों मिथिलेश जी को सबसे बड़ी तकलीफ तब होती थी जब इतना काम करने के बाद भी उन्हें किसी नए एक्टर की तरह ऑडिशन देना पड़ता था। मिथिलेश कहते हैं कि मजे की बात ये ऑडिशन लेने वाले लोग ऐसे होते थे जिन्हें खुद कैमरे के आगे खड़े होने की तमीज ही नहीं थी। मिथिलेश चतुर्वेदी की दो बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी चारू जिनके पति का नाम आशीष चतुर्वेदी है, दूसरी बेटी का नाम निहारिका है और वे मुंबई में रहती है। निहारिका प्रोडक्शन की दुनिया से ताल्लुक रखती है। हालांकि करियर की शुरुआत उन्होंने एक्टिंग से ही की थी लेकिन बाद में पूरी तरह से प्रोडक्शन में जुड़ गई। मिथिलेश चतुर्वेदी जी के बेटे का नाम आयुष है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मिथिलेश जी की यह श्रद्धांजलि वीडियो पसंद आई होगी। नारद टीवी मिथिलेश चतुर्वेदी जी को नमन करता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है।